Welcome to our channel, Ritvik Knowledge Hub. To encourage and support us, please subscribe, like, comment and share. And hit the bell icon. Today's topic is famous nicknames of popular persons. मेजर ध्यानचंद, इनको मैजिशियन ऑफ हॉकी या हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इन्होंने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने अपने पूरे कैरियर में 550 से भी ज़्यादा गोल किए हैं। मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख या उड़न सिख के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन्होंने एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स की 400 मीटर रेस में भारत को गोल्ड जिताया है। 1960 के रोम ओलंपिक में ये 400 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीतने से 0.1 सेकंड से रह गए, जबकि ये रेस के पहले 250 मीटर तक सबसे आगे चल रहे थे। इनके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है भाग मिल्खा भाग, जिसमें इनका किरदार फरहान अख्तर ने निभाया है। पीटी उषा, इनको फ्लाइंग एंजल या उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। इनका पूरा नाम है पिलावुला कंडी ठेके परम्बिल उषा। ये पहली भारतीय महिला एथलीट थी जो किसी भी ओलंपिक के फाइनल में पहुंची। इनका नाम भारत के कुछ महान एथलीट्स में शुमार है। इन्होंने 1984 में 400 मीटर बाधा दौड़ में नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है। एमसी मैरी कॉम, इनको सुपर मॉम या मैग्निफिशेंट मैरी भी कहा जाता है। इनका पूरा नाम है मैंगते चंगनी जेंग मैरी कॉम। इनको सुपर मॉम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने शादी होने के बाद और बच्चे होने के बाद भी अपना बॉक्सिंग कैरियर जारी रखा और उसने काफ़ी मेडल भी जीते। ये दुनिया की इकलौती महिला बॉक्सर हैं जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 6 बार जीती है। शोएब अख्तर, इनको रावलपिंडी एक्सप्रेस या टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। ये पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर के रहने वाले हैं। ये पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज हैं और इनको दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज माना जाता है। इन्होंने 100.23 मील प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी गेंद फेंकी है। सौरव गांगुली, इनको बंगाल टाइगर या दादा के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय क्रिकेट के महाराज के नाम से भी मशहूर हैं। इन्होंने अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी से भारतीय क्रिकेट को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। महेंद्र सिंह धोनी, इनको MSD, माही और कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान और विकेटकीपर हैं और दुनिया के इकलौते कप्तान हैं जिन्होंने सभी ICC ट्रॉफीज़ को जीता है। इन्होंने 2007 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान को हराया और 2011 के ODI वर्ल्ड कप फाइनल में श्रीलंका को हराया। सचिन तेंदुलकर, ये मास्टर ब्लास्टर, लिटिल मास्टर और गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से मशहूर हैं। ये भारत के पूर्व और सबसे सफलतम क्रिकेटर रह चुके हैं। इनके नाम पर 49 एक दिवसीय और 51 टेस्ट शतक शामिल हैं। ये भारत के सबसे युवा और सबसे पहले खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न मिला। सन 2012 में इनको राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया। विनोबा भावे, इनको आचार्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन या लैंड गिफ्ट मूवमेंट की शुरुआत की। इसको रक्तहीन क्रांति या ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहा जाता था। यहीं से इनका नाम आचार्य पड़ा।
ये महात्मा गांधी और उनके अहिंसा आंदोलन से बहुत प्रभावित थे। रविंद्रनाथ टैगोर, इनको गुरुदेव या विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, लेकिन हम इनको कवि के रूप में ज़्यादा जानते हैं। ये पहले गैर यूरोपीय लेखक थे जिनको 1913 में साहित्य में नोबेल प्राइज़ मिला। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, इनको लॉयन ऑफ कश्मीर या शेर कश्मीर भी कहा जाता है। इन्होंने ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस या J&K नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। ये J&K के पहले प्रधानमंत्री थे। ये 5 मार्च 1948 में प्रधानमंत्री बने। जयप्रकाश नारायण, ये JP और लोकनायक के नाम से भी मशहूर हैं। इनको भारत छोड़ो आंदोलन का नायक भी माना जाता है। इन्होंने 1970 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया। वल्लभ भाई पटेल, इनको आयरन मैन या लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और इनको सरदार की उपाधि भी दी गई है। इनका पूरा नाम वल्लभ भाई जवेर भाई पटेल था। गुजरात का स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं को समर्पित है। भारत की आज़ादी के बाद 565 रियासतों को भारत में मिलाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। इसी के बाद इनका नाम लौह पुरुष पड़ा। ये भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। सरोजनी नायडू, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम उनको महात्मा गांधी ने उनकी कविताओं में विविधता और गुणवत्ता के कारण दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम अव्वल पकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम है। ये भारत के सबसे सफल एरोस्पेस वैज्ञानिक रह चुके हैं और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इन्होंने भारत की बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी को उन्नत और सक्षम बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके बाद ही इनका नाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया पड़ा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।